अभिजीत फिर से लौटा है अपने वीडियो के साथ। सो सुबह सुबह मतलब 4 बजे आज मैंने उठा था, नहा धो के मंदिर जाके आया, तो मंदिर 7 बजे खुला। मतलब आज इतना भीड़ था कि मतलब मैं लाइन में शायद 3 या 4 घंटे खड़ा। उसके बाद 7 बजे मेरा मतलब मंदिर का गेट खुला, उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करके रिटर्न किया मैंने। तो अभी रूम से चेकआउट करके हम निकले हैं घर के लिए, क्योंकि आज घर पे जा रहा हूँ मैं। तो अभी टिकट लेके धौली एक्सप्रेस में अभी हम जा रहे हैं। तो एक गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि मैं मतलब जो रिजर्वेशन कोच नहीं जान पाए, तो जनरल का टिकट काट के रिजर्वेशन में चला गया था। मतलब वहाँ पर जाके पता लगे तो फिर हम आगे चलने लगे, तो वहाँ पे भी वो सारे एसी कोच थे। तो फिर पुलिस ने बताया कि पीछे 4 बगी जनरल का है, तो वहाँ से हमने रिटर्न किया। अभी तो सीट नहीं मिला है, तो जैसे तैसे करके हम जाएंगे घर पे, ठीक है ना। तो आज बहुत मुश्किल में दिन गया, तो इतना अच्छा लगा कि सुबह सुबह मंदिर से आके थोड़ा फ्रेश होके आया हूँ। तो अभी तक ही अभी कोई प्रॉब्लम हो गया, चलते हैं घर में। आज तो फाइनल है, घर पे जाएंगे, घर पे जाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो अभी चलते हैं घर में, सारे ज़्यादा तो घूम नहीं पाए क्योंकि कल सुबह ही मैं आया हूँ और आज मैं जा रहा हूँ। प्लान बना के आया था 2 दिन रुकूँगा, लेकिन नहीं रुक पाया, ठीक है ना। तो चलते से लौटा है अपने वीडियो के साथ। सो सुबह सुबह मतलब 4 बजे आज मैंने उठा था, नहा धो के मंदिर जाके आया, तो मंदिर 7 बजे खुला। मतलब आज इतना भीड़ था कि मतलब मैं लाइन में शायद 3 या 4 घंटे खड़ा। उसके बाद 7 बजे मेरा मंदिर का गेट खुला, उसके बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करके रिटर्न किया मैंने। तो अभी रूम से चेकआउट करके हम निकले घर के लिए, क्योंकि आज घर पर जा रहा हूँ मैं। तो अभी टिकट लेके धौली एक्सप्रेस में अभी हम जा रहे हैं। तो एक गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि मैं मतलब जो रिजर्वेशन कोच नहीं जान पाए, तो जनरल का टिकट काट के रिजर्वेशन में चला गया था। मतलब वहाँ पर जाके पता लगे तो फिर हम आगे चलने लगे, तो वहाँ पे भी वो सारे एसी कोच थे। तो फिर पुलिस ने बताया कि पीछे 4 बगी जनरल का है, तो वहाँ से हमने रिटर्न किया। अभी तो सीट नहीं मिल रहा है, तो जैसे तैसे करके हम जाएंगे घर पे, ठीक है ना। तो आज बहुत मुश्किल में दिन गया, तो इतना अच्छा लगा कि सुबह सुबह मंदिर जाके थोड़ा फ्रेश होके आया हूँ। तो अभी तक ही अभी कोई प्रॉब्लम हो गया, चलते हैं घर में। अब तो फाइनल है, घर पे जाएंगे, घर पे जाते हैं देखते हैं क्या होता है आज। तो अभी चलते हैं घर में, सारे ज़्यादा तो घूम नहीं पाए क्योंकि कल सुबह ही मैं आया हूँ और आज मैं जा रहा हूँ। प्लान बना के आया था 2 दिन रुकूंगा, लेकिन नहीं रुक पाया, ठीक है ना। तो चलते अभी ट्रेन में, हमारा पीछे खड़े है धौली एक्सप्रेस में, देख सकते हैं पीछे खड़ी है जनरल बोगी में हम है, चलेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होगा। हमने जलेश्वर का टिकट कटाया है, पूरी से जलेश्वर का, इतने सीट तो नहीं मिलते हैं। अगर शायद भुवनेश्वर के बाद 1 या 2 सीट मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं घर पे, रास्ते
में तो आपने देखा होगा कि किया हुआ, मगर स्टेशन में आते टाइम हम मतलब जैसे एयरपोर्ट में होता है ना कस्टम ऑफिसर चेक करते हैं सारे कुछ बैग वगैरह, यहाँ पर भी मतलब कस्टम वगैरह की मशीन वगैरह लगी थी, मतलब यहाँ से बैग डालो वहाँ से निकलेगा एक्सरे होकर बैग का एक्सरे किया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब जैसे एयरपोर्ट में होता है यहाँ पर भी फुल्ली हाई सिक्योरिटी चेकिंग होता है, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर विदाउट टिकट मतलब आने की सोच रहे हो तो बिल्कुल ही मत आना, पकड़े जाओगे तो पेनल्टी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। प्रॉपरली लीगल तरीके से यहाँ पर आना और जाना भी लीगल तरीके, लीगल तरीके भी भूल जाना यहाँ पर आना, ठीक है। हम तो सारे टिकट ले चुके हैं, हम ऑल ओवर जा रहे हैं, तो 1100 रुपये का टिकट हमने आ गया, तो चलते घर पर। ऐसे रास्ते पर हमें सीट मिलता है, ठीक है। स्टेशन से उतर के अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ट्रेन में तो बिल्कुल भी सीट नहीं मिली, मेरा पूरा फैमिली मतलब खड़ा हो गया है, मैं मतलब पूरी से आगे बस्ता में पूरी खड़ा हो गया, मैं तो दरवाजे के पास स्टैचू बन के खड़ा, मतलब इतना भीड़ है कि सांस लेने के लिए जगह नहीं है, ठीक है ना।
मतलब उसी के अंदर वो ट्रेन का जो मतलब सेल्समैन होते हैं एक्सप्रेस का, वो मतलब कैसे करके घुस जाते हैं तो उनको ही पता है वो तरीका, ठीक है ना। तो वैसे ही बहुत मुश्किल से आके बस्तर पहुँचे। उसके बाद गांव में एक टेम्पो का जुगाड़ हो गया था, तो टेम्पो जाके हमको डायरेक्ट वहाँ से लेके आया। तो अभी घर की तरफ जा रहे, तो घर में पहुँचने के बाद देखते क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पर मैं ये ब्लॉग एंड करता हूँ। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो में। अगर किसी और जगह में जाऊँगा तो वहाँ का वीडियो ज़रूर आपको मतलब वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊँगा। तो यहीं पे वीडियो बंद करता हूँ। और जाने से पहले आप ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। आप मतलब देख के चले जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और मुझे फुल्ली सपोर्ट करना, ठीक है। तो ऐसे ही नए नए वीडियो में लाता रहूँगा आपके लिए। तो इसके लिए रहता हूँ, टाटा बाय बाय।